अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री एसएसएस सिलेबस 2024। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस फर्स्ट पार्ट ऑफ द सिलेबस, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर। व्हाट इज इंटीग्रेटेड कल्चर? इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर इज एन अप्रोच दैट कंबाइंस डिफरेंट फार्मिंग प्रैक्टिसेस एंड कंपोनेंट्स टू क्रिएट अ मोर एफिशिएंट, सस्टेनेबल एंड प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर सिस्टम। इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर ऐसे अप्रोच, ऐसा एक मेथड होता है जिसके अंदर डिफरेंट फार्मिंग प्रैक्टिसेस और उसके कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं, जिससे ज्यादा इफेक्टिव, सस्टेनेबल और प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर सिस्टम डेवलप किया जाता है। इट इन्वॉल्व्स द इंटीग्रेशन ऑफ क्रॉप्स, लाइव स्टॉक, एक्वा कल्चर एंड अदर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज टू ऑप्टिमाइज रिसोर्स यूज, एनहांस बायोडाइवर्सिटी एंड इम्प्रूव फार्म प्रॉफिटेबिलिटी। सो व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी? प्रैक्टिस दैट मेंटेन एंड इम्प्रूव सॉइल हेल्थ, reduce environmental impact and promote long term productivity। yani aisi practices jo ke soil ki health ko improve karti hain, iske sath sath environmental impact ko reduce karti hain aur long term productivity ko promote karti hain, wo sustainable practices kehlati hain। aur iske andar jo techniques include hoti hain unme crop rotation aati hai, mean ke ek hi crop jo hai wo ek hi field ke andar bar bar usko grow nahi karwaya ja sakta, kyunki is tarah se crops ke upar jo pest aur diseases ka threat hai wo increase ho jata hai, और इस डिजीज और पेस्ट के साइकिल को ब्रेक नहीं किया जा सकता। एग्रोफॉरेस्ट्री इसके अंदर दूसरी टेक्निक इंक्लूड है और इसके साथ साथ कंजर्वेशन टिलेज टेक्निक को यूज किया जाता है सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस में। उसके बाद आते हैं साइनर्जीज, तो इसमें जो बेनिफिशियल इंटरेक्शन यानी कि क्रिएट करती है डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द फार्म। और मिसाल के तौर पर जिस तरह से इंटीग्रेटेड एक्वाकल्चर है, ये क्रॉप फार्मिंग के साथ यानी कि मिलती है, और जहाँ पर फिश का जो वेस्ट है वो न्यूट्रिएंट्स के तौर पर प्लांट्स को प्रोवाइड किया जाता है। इस तरह से जो प्लांट्स जो हैं वो वाटर को क्लीन करने में और फिल्टर करने में हेल्प करते हैं, जो कि ये वाटर फिशेस यूज करती हैं। नेक्स्ट, इकोनॉमिक वायबिलिटी, इंश्योरिंग दैट द इंटीग्रेटेड सिस्टम इज इकोनॉमिकली सस्टेनेबल बाय ऑप्टिमाइजिंग प्रोडक्शन एंड रिड्यूसिंग इनपुट कॉस्ट। ठीक है, जो इनके इकोनॉमिक वायबिलिटी में जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है वो सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करता है, और इसके साथ साथ जो इनपुट कॉस्ट है वो भी रिड्यूस हो, तो इसको जो है इस इंटीग्रेटेड सिस्टम से उसको इंक्रीज किया जा सकता है। इसके साथ सोशल और कल्चरल कंसिडरेशन हैं। Take into account the social and cultural context of the farming communities to ensure that integrated agriculture practices are adopted and supported. So integrated agriculture aims to create a balanced and holistic farming system. ठीक है, integrated agriculture इसलिए use किया जाता है ताकि एक balanced farming system जो है वो create किया जा सके, जो कि productivity को, sustainability को maximize करता है, और इसके साथ साथ जो इसका दूसरा benefit ये है कि ये जो negative environmental impact होता है उसको भी minimize कर देता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एज बेसिस फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जिसमें लैंड इंक्लूड है, वाटर है, इसके साथ वाटर बायोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल और सोलर एनर्जी। तो सबसे पहले हम लैंड को डिस्कस कर लेते हैं। सोयल क्वालिटी, सोयल इज द फाउंडेशन ऑफ एग्रीकल्चर और इट प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक वाटर एंड एज अ मीडियम फॉर प्लांट। सो सोयल क्वालिटी जो है वो इसको हम डिटरमाइन किया जा सकता है डिफरेंट कंपोजिशन से, यानी इसके अंदर सैंड, सिल्ट, क्ले इंक्लूड होता है, इसके साथ साथ ऑर्गेनिक मैटर जो है वो इंक्लूड होता है सॉइल के अंदर, न्यूट्रेंट लेवल्स जिसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम है इंक्लूड होता है, इसके साथ साथ पीएच, सॉइल की पीएच को डिटरमाइन किया जाता है, और इसके साथ माइक्रोबल एक्टिविटी को डिटरमाइन किया जाता है। तो ये तमाम क्वालिटीज जो है एक सॉइल के अंदर मौजूद होती हैं, और इस तरह से हेल्दी और फर्टाइल सॉइल जो है वो प्रमोट करती है रोबस्ट प्लांट ग्रोथ को, उसके साथ साथ हाई यील्ड भी क्रिएट करने में हेल्प करती है। और नेक्स्ट है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी क्या है? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लैंड इंक्लूडिंग स्लोप, एलिवेशन एंड ओरिएंटेशन दैट इफेक्ट वाटर ड्रेंज, सॉइल एरोजन एंड माइक्रो क्लाइमेट्स। ठीक है, जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लैंड के, जिसके अंदर स्लोप है, एलिवेशन है और ओरिएंटेशन है, ये वाटर ड्रेंज के ऊपर इफेक्ट करता है, सोयल एरोजन के ऊपर इफेक्ट करता है, इसके साथ साथ माइक्रो क्लाइमेट्स के ऊपर इफेक्ट करता है। फॉर इंस्टांस स्लोप लैंड में रिक्वायर टेरेसिंग टू प्रिवेंट एरोजन, वाइल फ्लैट लैंड माइट नीड प्रॉपर ड्रेंज सिस्टम्स टू अवॉइड वाटर लॉगिंग। नेक्स्ट है वाटर इरीगेशन क्या है? वाटर इज एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ, एफिशियंट इरीगेशन सिस्टम सच एज द ड्रिप और स्प्रिंकलिंग इरीगेशन इंश्योर दैट वाटर इज सप्लाइड डायरेक्टली टू द प्लांट रूट्स। ठीक है, इस तरह से जो वाटर इरीगेशन का सिस्टम है जो फार्मिंग के लिए यूज किया जाता है, इसका बेनिफिट ये है कि
मुझे इससे ज्यादा जो वाटर है उसकी अमाउंट वेस्ट नहीं होती, और ड्रिप के सूरत में या स्प्रिंकल इरिगेशन का जो सिस्टम है वो सिर्फ प्लांट की रूट्स तक ही वाटर को जो है वो सप्लाई करता है वाटर की, और वाटर को ट्रांसफर करता है। इस तरह से वाटर के एक बड़ी मिकदार उसको बचाया जा सकता है। इसके साथ साथ यानी कि ये जो इस रीजन के अंदर लिमिटेड रेनफॉल हो इस रीजन में, तो यहाँ पर जो इरिगेशन सिस्टम होता है वो क्रूशल होता है उन क्रॉप यील्ड्स को मेंटेन रखने के लिए। अब वाटर की क्वालिटी क्या है? द क्वालिटी ऑफ द वाटर यूज्ड इन एग्रीकल्चर इफेक्ट्स क्रॉप हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी, एंड कंटेमिनेटेड वाटर विद हाई लेवल्स ऑफ साल्ट्स हैवी मेटल्स और पैथोजेंस कैन हार्म प्लांट्स एंड सॉइल हेल्थ। ठीक है, जो वाटर की क्वालिटी है जो एग्रीकल्चर में वाटर यूज होता है, तो ये क्रॉप की हेल्थ उसकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर असर अंदाज होता है। और इस तरह से जो कंटेमिनेटेड वाटर वाटर होता है और उसके अंदर बहुत सारे जो है पोल्यूटेंट्स इंक्लूड होते हैं जिनमें साल्ट हैवी मेटल्स हैं और पैथोजेंस हैं, और ये जो है प्लांट्स को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इसके साथ साथ सॉइल के हेल्थ को ये नुकसान पहुंचाते हैं, और इसके साथ साथ वाटर की क्वालिटी जो है उसको इंश्योर करना नेसेसरी है, क्योंकि क्लीन और जो सेफ वाटर है वो इस तरह के सोर्सेज जो है वो फार्मिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को। तो प्लांट्स एंड क्रॉप्स, प्लांट्स एंड क्रॉप्स द सिलेक्शन ऑफ द क्रॉप्स एंड प्लांट राइट इज सूटेड टू द लोकल क्लाइमेट एंड सॉइल कंडीशन इज फंडामेंटल। यानी ऐसे क्रॉप्स और प्लांट की वराइटीज को सिलेक्ट करना जो उसी लोकल क्लाइमेट के मुताबिक हो और उसी सॉइल की कंडीशंस के मुताबिक हो, तभी उससे ज्यादा जो है प्रोडक्टिविटी हासिल की जा सकती है। और क्रॉप डाइवर्सिटी कैन इनहेंस रेजिलियंस अगेंस्ट पेस्ट एंड डिजीज। ठीक है, जो क्रॉप अगर क्रॉप की रोटेशन हो और क्रॉप डिफरेंट क्रॉप्स एक ही फील्ड के ऊपर अगर ग्रो करवाई जाती हैं, तो इससे ये फायदा होता है कि ये पेस्ट और डिजीजेस के अगेंस्ट जो है वो रेजिलियंस रखते हैं, और ये इस तरह से सॉइल की हेल्थ को भी इम्प्रूव करते हैं, और जो ओवरऑल फार्म की प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है। इसके साथ साथ लाइव स्टॉक जो है इसमें एनिमल्स को रेज किया जाता है ताकि फूड जिसमें मीट मिल्क और एग्स है वो इसकी ज़रूरत को पूरा किया जा सके। इसके साथ साथ फाइबर्स है, वूल है, और ये जो है तमाम लाइव स्टॉक से हासिल किए जाते हैं ये तमाम प्रोडक्ट, और लेबर जो है वो कंट्रीब्यूट करती है इस एग्रीकल्चर सिस्टम्स के अंदर। लाइव स्टॉक जो है इसके साथ साथ मैन्यूर भी प्रोवाइड करती है जो कि एक इम्पोर्टेंट सोर्स हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के तौर पर, और ये फर्टिलाइजर जो है वो क्रॉप्स के लिए यूज होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बायोडाइवर्सिटी को। अ डाइवर्स रेंज ऑफ द प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज विद इन एन एग्रीकल्चर सिस्टम सपोर्ट्स इकोसिस्टम सर्विसेज सच एज पोलिनेशन, पेस्ट कंट्रोल एंड सॉइल फर्टिलिटी। एक डाइवर्स रेंज है प्लांट और एनिमल स्पीशीज की, ठीक है, जिसके यहाँ जो एग्रीकल्चर सिस्टम के अंदर जो कि इकोसिस्टम सर्विसेज को सपोर्ट करती है, और इन सर्विसेज में पोलिनेशन आता है, पेस्ट कंट्रोल आता है, और सॉइल की फर्टिलिटी आती है। और बायोडाइवर्सिटी जो है वो हेल्प करती है एक बैलेंस और रेजिलियंट एग्रीकल्चर इन्वायरमेंट को क्रिएट करने में। नेक्स्ट हम फोर्थ पॉइंट देखते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का, जिसमें आता है सबसे पहले क्लाइमेट। क्लाइमेट इनकम्पासिस टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी एंड सीजनल वेरिएशन। ठीक है, क्लाइमेट से मुराद टेम्परेचर है, रेनफॉल है, ह्यूमिडिटी और सीजनल वेरिएशन है। सो ये जो फैक्टर्स हैं ये मुख्तलिफ क्रॉप्स की टाइप्स के ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं जो कि ग्रो करवाई जाती है लाइव स्टॉक की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। इस तरह से जो क्लाइमेट चेंजेस हैं वो सिग्निफिकेंट चैलेंजेस लाती हैं, जैसा कि अल्टरनेट ग्रोइंग सीजन है, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स और शिफ्ट्स इन पेस्ट एंड डिजीज पैटर्न्स। इन तमाम के ऊपर ये क्लाइमेट की चेंजेस इफेक्ट करती हैं। अब इसके साथ एयर क्वालिटी है, क्लीन एयर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट्स और एनिमल्स की हेल्थ के लिए, क्योंकि जो एयर पोल्यूशन होती है जिसमें पार्टिकुलर मैटर, ओजोन और हार्मफुल गैसेज इंक्लूड होती हैं, तो ये क्रॉप्स की यील्ड्स को रिड्यूस करते हैं। इसके साथ साथ नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं लाइव स्टॉक की हेल्थ के ऊपर। इस तरह से जो गुड एयर क्वालिटी है वो हेल्प करती है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को मेंटेन करने में। और इसके साथ हम डिस्कस करते हैं सोलर एनर्जी को। सनलाइट, सोलर एनर्जी ड्राइव फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सोलर एनर्जी फोटोसिंथेसिस को ड्राइव करती है। ऐसा ये प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स जो है वो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी के अंदर फूड प्रोड्यूस करने के लिए। और जो सनलाइट की अमाउंट है जिसमें ड्यूरेशन भी इंक्लूड आता है, इसके अमाउंट में इंक्लूड है और इंटेंसिटी भी इंक्लूड है, तो ये प्लांट ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट करता है डायरेक्टली। इसके साथ साथ प्लांट की डेवलपमेंट के ऊपर और प्लांट की प्रोडक्टिविटी के ऊपर सनलाइट इफेक्ट करती है। सोलर एनर्जी, सोलर पैनल्स कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फार्म ऑपरेशंस। ठीक है, फार्म ऑपरेशंस के लिए सोलर पैनल्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, जिसमें पावरिंग इरिगेशन सिस्टम्स है, लाइटिंग है, इसके साथ साथ मशीनरी, तो ये तमाम मेथड यूज किए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। सोलर ड्राइंग सिस्टम्स कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर प्रिजर्विंग क्रॉप्स।
यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी रिड्यूस रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स एंड लोअर्स ग्रीन हाउस गैस इमिशंस। अगर सोलर एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है तो फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर जो यानी कि बर्डन है वो रिड्यूस हो जाता है और ग्रीन हाउस गैसेस की जो एमिशंस है जो कि एनवायरनमेंट के अंदर इंटर होती है और एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर देती है और नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है एनवायरनमेंट के ऊपर, इस तरह से इस तरह के ग्रीन हाउस गैसेज के एमिशंस को भी रिड्यूस किया जा सकता है सोलर एनर्जी के यूज से। नेक्स्ट हम पॉइंट डिस्कस करते हैं फॉसिल फ्यूल्स का। फॉसिल फ्यूल्स लाइक डीजल गैसोलीन पावर फार्म मशीनरी ट्रैक्टर्स हार्वेस्टर्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स एंड प्रोडक्शन ऑफ द सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इंक्लूड। व्हाइल फॉसिल फ्यूल्स हैव बीन इंटीग्रल टू मॉडर्न एग्रीकल्चर, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये मॉडर्न एग्रीकल्चर के अंदर। इनका जो यूज है वो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस के अंदर यानी कि कंट्रीब्यूट करता है, इसके साथ साथ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के अंदर ये इंक्लूड होते हैं और इसके साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी हम सोर्सेज को देखते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जिसमें विंड है, सोलर और बायोमास है, ये सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स यानी ऑफर करते हैं फॉसिल फ्यूल्स के लिए। फॉसिल फ्यूल्स यानी के बजाय इसमें विंड सोलर बायोमास को जो है वो यूज किया जा सकता है। विंड जो टर्बाइंस हैं और सोलर पैनल्स हैं ये दोनों जो मेथड्स हैं ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं मुख्तलिफ फार्म्स के लिए, जबकि बायोमास जिसमें क्रॉप रेजिड्यूज एनिमल वेस्ट है इनको बायो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। इस तरह से जो यूटिलाइजिंग रिन्यूएबल एनर्जी है वो हेल्प करती है रिड्यूस करती है कार्बन फुटप्रिंट को जो कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज की होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरकनेक्शंस एंड सस्टेनेबिलिटी। ईच ऑफ दीज कंपोनेंट्स इज इंटरकनेक्टेड, ठीक है, ये तमाम जो कंपोनेंट्स हमने डिस्कस की हैं ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं और ये कम्प्लेक्स सिस्टम बनाते हैं और ये कम्प्लेक्स सिस्टम जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है। सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इज क्रूशियल टू इंश्योर लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी एनवायरमेंटल हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी। इनके जो सस्टेनेबिलिटी है इन तमाम रिसोर्सेज की मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी को इंश्योर करने के लिए, इसके साथ साथ एनवायरमेंटल हेल्थ को बरकरार रखने के लिए, फूड की सिक्योरिटी को मेंटेन रखने के लिए जरूरी है। प्रैक्टिसेस सच एज कंजर्वेशन स्टिलेज क्रॉप रोटेशन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट एंड एग्रोफॉरेस्ट्री दीज आर प्रैक्टिसेस दैट कैन इनहेंस द सस्टेनेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम्स by maintaining soil health, conserving water, protecting biodiversity and reducing dependence on non-renewable energy, non-renewable resources. ठीक है, इस तरह की practices जिसमें crop rotations, integrated pest management, agroforestry जो है include है, तो ये agriculture systems की sustainability को enhance करते हैं, उसको increase करते हैं। इस तरह से इनके practices से क्या होता है कि soil की health को maintain करने में जो है वो मदद मिलती है, वाटर को कंजर्व किया जा सकता है इस तरह की टेक्निक से बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो इस तरह की टेक्निक्स यूज करने से ये इसके बेनिफिट्स हैं कि ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो रिड्यूस हो जाती है। सो बाय अंडरस्टैंडिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फार्मर्स कैन क्रिएट रेजिलिएंट एंड प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर सिस्टम्स दैट मीट करंट एंड फ्यूचर फूड डिमांड्स। ठीक है, इस तरह के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनको किस तरह से यूज करना है और इनको इस तरह को इसको अंडरस्टैंड करना और साथ साथ फार्मर्स इसको अंडरस्टैंड करके फार्मर्स यानी रेजिलिएंट क्रिएट कर सकते हैं, इसके साथ साथ जो एग्रीकल्चर सिस्टम्स है उसको इसकी सस्टेनेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं और इस तरह से जो है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी क्रॉप्स की और जो करंट और फ्यूचर फूड की डिमांड्स है वो फुलफिल की जा सकेगी।